हेलो गाइस, तो मेरे यहाँ आया है ऑरेंज गुड़हल। हाँ, ऑरेंज गुड़हल मेरी ननद ख़रीद के लेकर आई हैं और अब इसको हम एक गमले में लगाएंगे। उससे पहले हमारे यहाँ एक गमला मतलब गुड़हल का पौधा है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसे हम इस थर्मस में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वेस्ट मटेरियल में पौधा लगाने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि यूज़ हो जाता है उसका। और देखिए, इसमें मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी सी कंपोस्ट खाद डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें ये गुड़हल का पौधा इसमें शिफ्ट करेंगे। ये काफ़ी नीचे से मोटा हो गया है, तो उसके हिसाब से ये गमला छोटा पड़ गया है। तो पहले हम इसको थोड़ी थोड़ी ऐसे खुदाई सी कर लेंगे, जिससे आसानी से निकल जाए। और बरसात का मौसम है तो बहुत आसानी से पौधा निकल जा रहा है। तो अगर आपको भी कोई पौधा शिफ्ट करना है दूसरे गमले में, तो ये समय सबसे अच्छा समय है, आप शिफ्ट कर सकते हैं और आपका पौधा आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इस समय जब बारिश होती है तो पौधे आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए हम ये समय हमने चूज़ किया है और इस समय हम इसको अलग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। आप पर्याप्त मिट्टी हम इसमें डाल चुके हैं और मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कंपोजिट खाद और उसको हम चारों तरफ मिला देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि बार बार मैं आप सभी को बताती हूँ कि जब भी कोई पौधा शिफ्ट करें या नया लगाएं तो उसमें पानी आप ज़रूर डाल दें। आप ये इंतज़ार ना करें कि हम शाम को डालेंगे या सुबह डालेंगे। अब हम उस नए पौधे को इस गमले में लगाएंगे और सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी और कंपोजिट खाद ले लेंगे, फिर हम इस पौधे को ले लेंगे और इसमें हम आराम से इसको लगाएंगे। तो चलिए, हम पौधे को ले लेते हैं और इसके ऊपर जो ये पॉलीथीन लगी है इसको हम हटा देते हैं और अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे गमले में। लेकिन इसमें मिट्टी कम होने के कारण और ये गहराई नीचे मिट्टी है, तो उसको हम मिट्टी को पहले अलग कर लेंगे, जिससे कि पौधा आसानी से उसमें शिफ्ट हो जाए। तो अब हम मिट्टी को अलग करेंगे, थोड़ा इधर उधर गहराई बनाएंगे, जिससे ये अंदर तक जाए और अंदर तक मजबूती आ जाए, उसकी जड़ आसानी से गमले में मतलब मिट्टी को पकड़ ले, जिससे कि पौधा लग जाए। और इसको लगाने के बाद इसमें हम मिट्टी डालेंगे, पर्याप्त मिट्टी डालेंगे, फिर इसमें हम कंपोजिट खाद डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्का सा पानी, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ कि पानी ज़रूर डाल दें। बहुत सारे लोग पानी नहीं डालते हैं, सोचते हैं शाम को पानी डाल देंगे और पौधा लग जाएगा, तो पौधा नहीं लगता है, सूख जाता है। तो इसलिए आपको पानी ज़रूर डाल देना है। और ये लग गया मेरा ऑरेंज कलर का हिबिस्कस का पौधा।